कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें आज खास तौर से दलहन मार्केट से आ रही हैं। दलहन के बाजार में चने के मार्केट में दोबारा से तेजी आने का अनुमान नजर आ रहा है। अरहर दाल में भी बहुत ज्यादा मंदी आने की खबरें सामने नहीं आ रही है। उड़द दाल में सीमित तेजी मंदी की खबरें हैं और इसके अलावा मूंग दाल में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आज बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चने के बाजार के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो दाल मिलों में खरीद सीमित होने से बाजारों में आज सरकार दर्ज करी गई व्यापारी कीमतों में बड़ी गिरावट के पक्ष में नहीं है। स्टॉक से दाम घटाकर बिकवाले नहीं करना चाहते हैं। मिलों के पास स्टॉक जो है वो तय मात्रा में है। मौजूदा कीमतों में सुधार आने का अनुमान है। उत्पादक राज्यों में अगर देखा जाए दैनिक आवक अभी काफी कम हो रही है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बनने की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारों की अगर मानी जाए तो ग्राहकी कमजोर है, मध्य जुलाई तक कमजोर रहेगी, लेकिन जुलाई के अंत में बेसन की मांग में तेजी आने का अनुमान है। डिमांड अगर बढ़ती है कीमतों में तेजी जरूर आएगी। रेट 6,975 से 7,000 रुपए के बीच बाजारों में चने में देखे जा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश में 6,950 तक मार्केट में चने के रेट गए हैं। इसके अलावा अरहर दाल में बड़ी तेजी का अनुमान फिलहाल कम है, लेकिन गिरावट भी आपको एक तरफा देखने को नहीं मिलेगी। घरेलू मार्केट में अरहर की कीमतों में मिला जुला रुख बाजारों में देखा गया। व्यापारियों के अनुसार स्टॉक लिमिट लगी होने के कारण दाल मिले जरूरत के हिसाब से अरहर की खरीदारी कर रही हैं। थोक के साथ ही खुदरा में ग्राहक की कमजोर बनी होना भी इसकी एक वजह है। म्यांमार के साथ ही अफ्रीकी देशों से अगस्त में अरहर का आयात बढ़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा कर रही है, लेकिन आयातकों को मौजूदा कीमतों पर डिस्पैरिटी लग रही है, इसीलिए आयातक दाम घटाकर अरहर फिलहाल बेचना नहीं चाहते हैं। अगर रेट के बारे में अगर बात करी जाए, मुंबई में लेमन अरहर में दाम 25 रुपए तक बढ़कर 11,300 से 11,325 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखे गए। और इसके अलावा बाजारों में आज दिल्ली में 50 रुपए तक की हल्की कमजोरी दर्ज करी गई। 11,700 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार में आप दाम देखकर चल सकते हैं। देसी अरहर की कीमतें अकोला, कटनी, अमरावती में कमजोर हुई हैं। अन्य मंडियों में इसके दाम बाजारों में स्टेबल रहे हैं। उड़द दाल में सीमित तेजी मंदी बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। दाल मिलों में मांग जरूरत के हिसाब से देखी जा रही है। कमजोर मांग के कारण भी कीमतों पर आपको बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। बर्मा से आयातित चेन्नई पहुंचकर उड़द SQ और FQ कीमतें बाजारों में स्टेबल देखी गई। FQ के भाव जुलाई और अगस्त शिपमेंट में $11,055 प्रति टन C&F पर स्थिर देखे गए, जबकि इस दौरान SQ उड़द के भाव $1,135 प्रति टन C&F बोले गए। व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए दाल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से उड़द की खरीदारी कर रही हैं और दाल मिले दक्षिण भारत में ग्राहकी मध्य जुलाई तक सीमित बनी रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की दाल मिलों की मांग उड़द में सामान्य की तुलना में कमजोर है, क्योंकि उत्पादक राज्यों में उड़द की जो आवक है वो अभी बराबर बनी रहने का अनुमान नजर आ रहा है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, दिल्ली में SQ उड़द के दाम 25 रुपए तक हल्के कमजोर देखे गए। 9,975 रुपए प्रति क्विंटल का रेट यहां देखा गया, और जबकि FQ के दाम 75 रुपए तक कमजोर देखे गए, 9,275 रुपए तक का आप यहां से बाजारों में इसमें रेट देखकर चल सकते हैं। सीमित तेजी मंदी उड़द दाल में देखी जा रही है। मूंग और मसूर में भी बहुत ज्यादा लंबी तेजी आने का अनुमान नहीं है। चालू फसल सीजन में कनाडा में मसूर की बुआई 4.2 मिलियन एकड़ में हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14.8% तक ज्यादा है। दिल्ली में देसी मसूर के साथ आयातित कीमतें भी बंदरगाह पर स्टेबल देखी गई। व्यापारियों के अनुसार मसूर दाल में ग्राहक की सामान की तुलना में कमजोर है। मसूर की कीमतों में हल्की तेजी मंदी बनी रह सकती है, हालांकि व्यापारी मसूर की कीमतों में बड़ी गिरावट के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। आयात इसके पड़ते महंगे हैं, इसीलिए आज तक नए आयात सौदे सीमित मात्रा में ही कर रहे हैं। इसमें अगर बात करते हैं रेट के बारे में, तो दिल्ली में 6,700 से लेकर 6,725 रुपए प्रति क्विंटल का रेट आपको देखने को मिल सकता है। और मूंग दाल के बारे में अगर बात करी जाए, दिल्ली के साथ उत्पादक मंडियों में भी स्थिरता दर्ज करी गई। मूंग दाल में ग्राहकी कमजोर है। जानकारों के अनुसार प्रमुख उत्पादक राज्यों में मंडियों में मूंग की दैनिक आवक अभी बराबर बनी रहने का अनुमान है, और साथ ही मूंग दाल में ग्राहकी सामान की तुलना में थोड़ी कमजोर है, इसीलिए मौजूदा कीमतों में दाल मिले जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है। समर सीजन में मूंग की बुआई साल की तुलना में बढ़ी है, जिसके कारण उत्पादन अनुमान भी ज्यादा है। जानकारों के अनुसार मध्य जुलाई तक मूंग दाल में ग्राहक की आमतौर पर कम रहती है, इसीलिए इसके भाव में बड़ी तेजी मानकर आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर रेट के बारे में अगर बात करी जाए, मूंग दाल में तो 8,250 से 8,575 रुपए प्रति क्विंटल तक रेट देखे जा रहे हैं। क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये रेट है, दिल्ली के रेट है ये।
इंदौर में 7800 से 8000 के बीच का रेट है। इंदौर में बोल्ड मूंग के दाम 8100 से 8200 के बीच देखे जा रहे हैं। जयपुर में भी एक सीमित दायरे पे कारोबार बाजारों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट जो है, जो ट्रेंड है दलहन बाजार का, वो पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है और ना ही एकदम से, अगर आप तेजी का अनुमान लगा रहे हैं तो एकदम से बाजारों में आपको तेजी भी नहीं दिखेगी। रेट अच्छा है, जरूरत के हिसाब से खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।